ये वीडियो है Redmi Note 10 Pro Max के बारे में। तो अगर आपको पता है कि जो Note 10 सीरीज़ है वो तीनों फ़ोन्स में AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, तो AMOLED डिस्प्ले है तो Xiaomi ने MIUI 12 में जो है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया है और तीनों फ़ोन्स में वो देखने के लिए मिलता है, बट वो 10 सेकेंड्स के लिए रहता है। तो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑलवेज़ ऑन नहीं है, तो अगर आप चाहते हो उसे ऑलवेज़ ऑन करना तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत छोटा सा वीडियो, देख लेना। और एक्सेसरीज़ अगर चाहिए फॉर Redmi Note 10, 10 Pro एंड 10 Pro Max एज वेल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर ले सकते हैं, बैक के लिए स्क्रैचेस नहीं आएंगे। मैट फिनिश है, फिर भी अगर धूल जाएगा बैक कवर में तो स्क्रैच हो जाएगा, तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से अल्ट्रा क्लियर स्क्रीन प्रोटेक्टर ले लेना। और स्किन्स भी ले सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप उन 200 लोगों में से हो जो इस चैनल के वीडियोज़ देखते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप लाइक करोगे तो एटलीस्ट अगर 200 लाइक्स होंगे तो चैनल की बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इतना ही था, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मैंने यहाँ पर रखा हुआ नहीं है, तो मैं पहले आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में लेके चलता हूँ। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑफ करके रखा हुआ है मैंने, तो ऑन कर देता हूँ। और ये वाला रखते हैं, इसे अप्लाई करेंगे। और अगर सेटिंग्स में यहाँ पर डिस्प्ले आइटम फॉर, ये ओनली फॉर 10 सेकेंड्स, और कुछ यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, ठीक है। यहाँ पर इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड आप जैसे देखोगे यहाँ पर, एंड आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर ये डबल टैप टू लॉक क्यों नहीं काम कर रही है। और अगर आप चाहते हो डबल टैप टू लॉक काम करे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं जो है क्लोज रूम में बना पाऊँ वीडियो, तो ओपन में बनाना पड़ रहा है इसलिए। तो डबल टैप टू लॉक अगर आप चाहते हो वो काम करे, तो उसके लिए आपको जो है पोको लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से बंद कर देता हूँ, जैसे टैप करता हूँ यहाँ पर ये दिखेगा, एंड आप देखोगे शायद ये 10 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद जाने वाला है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखोगे चला गया। बट अगर आप चाहते हो ये ना जाए, आप अगर चाहते हो कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑलवेज़ ऑन रहे, तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना है और जो MIUI वर्शन है उसे टैप करना है 7 or 8 times और आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग्स में, और डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद एकदम बॉटम में चले जाओ स्क्रॉल करते हुए, और ये जो टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन है इसे आपको बंद करना है। ओके, तो एकदम बॉटम में टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन उसे बंद करना है, एक्सेप्ट कर दो, बंद हो गया ना। एंड देन आप अभी अगर आप लॉक करते हैं, आप देखोगे यहाँ पर ये जो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑलवेज़ ऑन ही रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से अभी 10 सेकंड्स होने वाले हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आप इसे शेयर करोगे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो अच्छा लगेगा। तो लगभग 10 सेकंड से ज़्यादा ही हो गए और अभी भी जो है आप देख रहे हो कि ऑलवेज़ ऑन ही है। तो एक बार ट्राई आउट करना, ये काम कर रही है 100%। मैंने कल रात से मैं ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले मैंने देखा हुआ था, सुबह आके मैंने बंद किया, तो ये डेफिनेटली काम कर रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसके रिलेटेड नहीं है, ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के रिलेटेड नहीं है, अलग चीज़ है। आप यहाँ पर जो है ना रिफ्रेश रेट कितना है वो आप चेकआउट कर सकते हो। 120 Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो आपके स्क्रीन में जो है शो होता रहेगा, तो वो आप जो है यहाँ पर लगा के रख सकते हैं। यहाँ पर है, कहाँ पर है, एक मिनट, सो द रिफ्रेश रेट तो 120 Hz की रहती है। जैसे पबजी खेलने जाएंगे वो 60 Hz पे वहाँ पर दिखाएगा, एंड ऑलवेज़ ये जो है आपके स्क्रीन में ये दिखाता रहेगा। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो 120 Hz। इसके नीचे अगर ये वेरी करती है तो ये जो है, अब देखो यहाँ पर जो है 60 FPS आपको दिखा रहा है, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा तो होम स्क्रीन में 120 Hz हो जाएगी। नॉर्मली यहाँ पर जो है, यहाँ पर 60 Hz आपको देखने के लिए मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पर भी 120 Hz ही होना चाहिए, तो क्यों वहाँ पर 60 Hz हुआ। तो ये आप जो मॉनिटर अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये छोटा मोटा एक ट्रिक आप मान सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको पसंद आई है लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।